तो आज अपने प्रिज्म पढ़ रहे हैं। प्रिज्म हाँ, तो प्रिज्म किसे कहते हैं? कुछ कोण पर झुके हुए दो समतल, कुछ कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा क्षेत्र, अपवर्तक पृष्ठों से घिरा क्षेत्र प्रिज्म कहलाता है। जो आप देख रहे हैं ये प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, क्योंकि ये पृष्ठ यूं है और ये पृष्ठ यूं है, ये पृष्ठ यूं उठा हुआ है, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो प्रिज्म कहलाता है। और क्षेत्र की विशेषता ये है कि वो पारदर्शी है और समांगी है। तो परिभाषा बनी, कुछ कोण पर झुके हुए समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा समांगी व पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ए बी फलक हो गया और बी सी एक पुनः और फलक हो गया, प्रिज्म के फलक हो गए। ए बी फलक पर कोई प्रकाश किरण पी क्यू, कोई प्रकाश किरण पी क्यू अभिलंब से आई कोण बनाते हुए आपतित है। तो हम देख पा रहे हैं यह प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में एंटर करेगी, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाएगी और प्रिज्म के अंदर क्यू आर दिशा में ट्रेवल करेगी, क्यू आर दिशा में ट्रेवल करेगी। और यहां पर पुनः हम अभिलंब बढ़ाएंगे, यहां पर पुनः अभिलंब बढ़ाएंगे, यह प्रकाश किरण सघन से किस माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम में, इसलिए किधर की ओर झुकेगी? अभिलंब से दूर की ओर झुकेगी और आर एस दिशा में निर्गत होगी। ये कोण कहलाएगा निर्गत कोण। इन दोनों कोणों के नाम आर वन और आर टू हैं। अपनी तरफ से हमने मान लिए आर वन और आर टू। जहां ये अभिलंब काट रहे हैं इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया है ओ। अब आपतित प्रकाश किरण पी क्यू को आगे बढ़ाया जाए, आपतित प्रकाश किरण पी क्यू को आगे बढ़ाया जाए और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया जाए, तो ये बिंदु ओ डैश पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है? ओ डैश बिंदु पर काटती है। इन दोनों के मध्य बड़ा कोण डेल कहलाता है। आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। और ये अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण ए कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण ए कहलाता है। अब परिभाषा और चित्र के बाद दूसरा उद्देश्य है हमारा आपतन कोण आई, निर्गत कोण ई, प्रिज्म कोण ए और विचलन कोण डेल में संबंध स्थापित करना, में संबंध स्थापित करना। तो हम शुरुआत करते हैं डेल से। हम डेल लेके आते हैं, पहले एक ऐसा समीकरण बनाते हैं जिसमें डेल आ सके। चित्र को देखने पर हमें पता चलेगा कि डेल कौन से त्रिभुज में आता है। तो हम देख पा रहे हैं किसी त्रिभुज के अंदर नहीं आता है डेल, लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है जिसका यह बहिष्कोण है। उस त्रिभुज का नाम क्या है? देखें चित्र में ओ डैश क्यू आर, ओ डैश क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका बहिष्कोण कोण है डेल है। तो बहिष्कोण, बहिष्कोण डेल बराबर क्या हो जाएगा? आंतरिक समूह कोणों का योग। तो आंतरिक समूह कोण कौन से हो जाएंगे? ओ डैश क्यू आर, कौन से? ओ डैश क्यू आर प्लस ओ डैश आर क्यू, ये वाला ओ डैश आर क्यू, मतलब ये दोनों समूह कोण हो गए हैं। तो इन दोनों का योग जो होगा वो डेल के बराबर हो जाएगा। इन दोनों कोणों की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। इन दोनों कोणों की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? बड़ा सिंपल तरीका है। ये आई है,
ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल आई अगर आर वन माइनस हो जाए तो उपयुक्त एंगल ज्ञात हो सकता है, कहने का भाव आई माइनस आर वन कर दिया जाए। तो आई टोटल है में से आर वन माइनस कर दिया जाए तो यही कोण बचेगा, कौन सा, ओ डैश क्यू आर बच जाएगा, लिख दिया इसको हमने। इसी प्रकार से इधर देखा जाए तो ई है, ये टोटल एंगल भी कितना है, ई है, ई में से आर टू माइनस कर दिया जाए तो कौन सा बच जाएगा, ओ डैश आर क्यू बच जाएगा। तो ई में से कौन सा माइनस कर दिया जाए, आर टू माइनस कर दिया जाए। इसको आगे लिखते हैं हम लोग, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ये समीकरण नंबर एक बन गया। इसके अंदर कौन कौन आ गए हैं, देखिए डेल आ गया है, बिल्कुल आई भी आ चुका है, आ चुका है, और ई भी आ चुका है, लेकिन ए अब तक इस संबंध में नहीं शामिल हुआ, ए को लाना है। और देखिए ध्यान से, इसको हटाना भी है क्योंकि यह हमारे इस संबंध में नहीं है, तो आर वन आर टू को हटाना है और ए को लाना है। तो देखिए आर वन आर टू हटाना है तो आर वन आर टू आपते कहाँ हैं, आर वन और आर टू त्रिभुज ओ क्यू आर में आते हैं, तो त्रिभुज ओ क्यू आर से हम लिखेंगे एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब तीनों कोणों के क्यू ओ आर और आर वन और आर टू तीनों कोणों का योग है जो वो जाएगा 180। तो हमें आर वन प्लस आर टू की वैल्यू तो मिलती नजर आ रही है, लेकिन एक ऐसी राशि भी मिल रही है हमें, एक ऐसा कोण मिल रहा है जिसकी वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो इसका एक तरीका है, इसको हटाने का एक तरीका है कि इस जैसा एंगल दोबारा बढ़ाओ, एक ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें यह एंगल दोबारा आता हो। तो ये एंगल किस में आएगा, और एक तो इस त्रिभुज में आ ही गया है और दूसरा ओ क्यू ए आर चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है इसमें आएगा। इससे फायदा क्या होगा, ए भी आ जाएगा क्योंकि ए को लाना है ना हमने, ए भी आ जाएगा। तो इसे समीकरण दो देके छोड़ते हैं आगे, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर ए से, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ए क्यू ओ आर ए से अपने लिख सकते हैं एंगल ए, ये वाला एंगल प्लस एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू सॉरी ए क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर और कौन सा बच गया, फोर्थ ओ आर ए, एंगल ओ आर ए, सभी एंगल्स का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 360। अब आप देखें ए क्यू ओ और ओ आर ए, इधर देखते हैं ए क्यू ओ कितने डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री का है। अब विलंब ने सतह के साथ बना रखा है ना, तो कितने डिग्री, 90 डिग्री। और इसे देखना था क्या, ओ आर ए, ओ आर ए ये वाला एंगल, ये भी कितना है, 90। तो इन दोनों का योग हो गया 180। लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस 90 प्लस 90 180 बराबर 360, पक्षांतरण कर देते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर 180, ये समीकरण नंबर तीन बन गया। तो हमने क्या विचार किया था यहां पर कि क्यू ओ आर एंगल है जो इसे रिपीट में लाया जाए, मतलब एक ऐसा समीकरण बनाया जाए जिसके अंदर ये दोबारा आ जाए। तो आ गया इसमें दोबारा, अब समीकरण एक व दो से हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण किसके बराबर है, 180 के बराबर है, अर्थात राइट हैंड साइड इनकी क्या है, आपस में बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए।
तो फिर लिखेंगे एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल क्यू ए क्यू ओ आर क्यू ओ आर बराबर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर। तो जिसे हमने हटाना था वो इजीली हट चुका है, इसको रिपीट में लाने के बाद ये हट चुका है। तो एंगल ए बराबर क्या बढ़ जाएगा, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू। इसे समीकरण चार देते हैं, समीकरण चार से आर वन प्लस आर टू का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण चार से आर वन प्लस आर टू का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखेंगे तो डेल बराबर क्या बन जाएगा, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए। ये हो गया हमारे दूसरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई। कौन सा उद्देश्य था दूसरा हमारा, ये आई ई ए डेल में संबंध। आप देख सकते हैं आई ई डेल और ए में संबंध है। यह है ये जो समीकरण पांच आप देख रहे हैं, ये बताती है कि डेल की निर्भरता है किस पर, आई और ई पर। अर्थात जो विचलन कोण है वो किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। चलो आगे देखते हैं, समीकरण पांच, हम आई और डेल के बीच एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं। प्रथम दृश्यता में हमें लग रहा है कि आई बढ़ेगा तो डेल को भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। गणितीय समीकरण से हमें ऐसा लग रहा है कि आई बढ़ेगा तो किसे बढ़ना चाहिए, डेल को। लेकिन ए तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मध्य कोण है जो ऐसे कांस्टेंट रहेगा, अपवर्तक पृष्ठ तो हिलने से रहे लेंगे नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ई ई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ई जो है कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो ई की निर्भरता आई पर है। तो आई को बढ़ाएं तो हम ये नहीं पता लगा पा रहे इस समीकरण की मदद से कि ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इस समीकरण को आगे गणितीय रूप में हल नहीं कर पा रहे हैं, इस समीकरण को गणितीय रूप में हल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर किस विधि से हल किया जाए, प्रायोगिक विधि अब हेल्पफुल होगी। प्रायोगिक रूप से क्या किया जाता है, प्रायोगिक रूप से ग्राफ बनाया जाता है। किस किसके मध्य यह ग्राफ, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल के मध्य का ग्राफ है। तो देखा जाता है कि आपतन कोण के मान में वृद्धि करने से, आपतन कोण के मान में वृद्धि करने से विचलन कोण के मान में पहले कमी आती है, पहले कमी आती है। पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण है जो वह अपने न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है। इसके बाद आपतन कोण में यदि और वृद्धि की जाए तो विचलन कोण में भी वृद्धि होना प्रारंभ कर देती है। ग्राफ का अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि विचलन कोण के एक ही मान के लिए, विचलन कोण के एक ही मान के लिए ग्राफ पर दो बिंदु मिल रहे हैं। इनका अर्थ यह हुआ कि विचलन कोण के एक मान के संगत आपतन कोण के कितने मान मौजूद हैं, दो मान मौजूद। इसका चित्र से क्या संबंध, चित्र से हमें ये कैसे समझ में आएगी बात कि विचलन कोण के एक मान के लिए आपतन कोण के दो मान हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्रकाश किरण इधर से आती है यदि तो आपतन कोण का मान आई हो गया, सपोज यह आई वैल्यू है, ए वाली आई वैल्यू यह है, और विचलन कोण कितना मिल गया है, डेल मिल गया है। अब जानते हैं कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, उत्क्रमणीय पथ होता है।
यदि प्रकाश किरण इधर से न आकर के इधर से आए, इस दिशा से आरएस दिशा है जो इससे आपतित हो, तो फिर आपतन कोण कौन हो जाएगा? आपतन कोण का काम कौन करेगा? ई करेगा। आपतन कोण का काम ई करेगा। और उद्गर्मणीय पथ है तो प्रकाश किरण इसी पथ से होते हुए इस दिशा में निर्गत हो जाएगा, तो निर्गत कोण का काम कौन करने लगेगा? आई करने लगेगा। और विचलन कोण जो है वो यह वाला कोण विचलन कोण कहलाएगा। तो अब चित्र की ज्यामिति से देख सकते हैं कि जो विचलन कोण अब है वो पहले वाले के बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो विचलन कोण का मान नहीं बदला, लेकिन आपतन कोण का मान आई से क्या हो गया है? ई। तो आपतन कोण के कितने मान मिल गए हैं? दो मान मिल गए हैं, एक ई वाला और एक आई वाला मान मिल गए हैं, लेकिन विचलन कोण के मान कितने हैं? एक ही हैं। तो ये ग्राफ से जो आपको दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इनका चित्र की दृष्टि से यह अर्थ हुआ। अब यहां फिर एक मान क्यों मिला? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्थिति ऐसी आए कि वहां आपतन कोण का एक ही मान मिले? ये तभी संभव है यदि इधर से प्रकाश किरण को भेजा है और आपतन कोण आई मान लो आपको 40 डिग्री मिलता है, आपतन कोण का वैल्यू 40 डिग्री है, और विचलन कोण का मान डेली है मान लो, और निर्गत कोण ई का मान भी 40 डिग्री है, ये हमने माना है एक बार के लिए 40 डिग्री है, तो आपतन कोण की वैल्यू कितनी हुई? 40, और विचलन कोण कितना हुआ? डेल। अगर प्रकाश किरण को इधर से भेज दिया जाए तो आपतन की वैल्यू कितनी हुई? 40, और डेल जो विचलन कोण है वो डेल ही रहेगा, मतलब इसमें बदलाव नहीं आया। तो कहने का मतलब आई और ई दो मान हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है? समान है, इसलिए हम कहेंगे कि आपतन कोण के कितने मान मौजूद हैं? एक ही मान मौजूद है डेल के लिए। तो यह कब संभव है? जब आई बराबर क्या हो? ई हो जाए, तभी संभव है। क्या संभव है? विचलन कोण के लिए एक आपतन कोण का मिलना। चित्र इस ग्राफ से हम एक बात और देख पा रहे हैं कि आई बराबर ई होने पर डेल विचलन कोण की वैल्यू क्या हो गई है? न्यूनतम, मिनिमम हो गई है। विचलन कोण की वैल्यू मिनिमम, न्यूनतम हो गई है। तो यदि आई बराबर ई हो तो डेल बराबर क्या हो जाएगा? डेल मिनिमम। यह एक रिलेशन हमें प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से प्राप्त हुआ है, तो इसका यूज हम करते हैं समीकरण नंबर 5 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 5 से डेल के स्थान पर क्या लिखेंगे? डेल मिनिमम, और आई प्लस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? आई माइनस ए। तो डेल एम बराबर क्या बन गया? 2i माइनस ए। आई बराबर क्या बन गया? डेल एम प्लस ए बाय 2। ये किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? आपतन कोण की वैल्यू प्राप्त होगी अपने को। आई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जब आई और ई बराबर होंगे, आई और ई ये एंगल बराबर होंगे, तो उस समय आर वन और आर टू भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हम इजीली इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे अभी कि आर वन और आर टू भी क्या हो जाएंगे? उस समय बराबर हो जाएंगे। आपने देखा ऊपर एक समीकरण बना था, उसके अंदर रिजल्ट आ रहा था एंगल ए बराबर आर वन प्लस आर टू का एक समीकरण बना था। तो इस समीकरण की मदद से हम ए बराबर इनके बराबर में एक हम आर वन और आर टू के बराबर में आर मान लेते हैं, या रिजल्ट काम में लेंगे, आर प्लस आर लिख सकते हैं। तो एंगल ए बराबर 2R बन गया, और R बराबर क्या बन जाएगा? A by 2। ये R का मान निकाल लिया हमने। I और R के मान निकाले क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो पहला उद्देश्य तो था
प्रिज्म कहते किसे हैं, इसका पता लगाना। दूसरा उद्देश्य आपको याद होगा डेल आई ई और ए में संबंध। और जो तीसरा उद्देश्य चल रहा है हमारा वो है अपवर्तनांक ज्ञात करना, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने का हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो अपवर्तनांक आप जानते ही होंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर एन से ज्ञात होता है। तो किसकी जरूरत पड़ रही है अपने को अपवर्तनांक याद करने के लिए, आई और आर की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हमने एक कंडीशन डाल के, स्पेशल कंडीशन डाल करके आई और आर की वैल्यूज को ज्ञात किया है और इसकी मदद से हम अपवर्तनांक याद करेंगे। ये किसका नियम है, स्नेल का नियम है। तो हम आगे लिखेंगे स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, एन क्या है प्रिज्म का अपवर्तनांक, आई की वैल्यू रखो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू बराबर एन, ये हो गया प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। यह एग्जाम में पूछा भी गया है बड़े प्रश्न के रूप में। अब हम बात करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। ध्यान दीजिए पतले प्रिज्म के लिए, तो अगर प्रिज्म पतला है तो इस प्रकार की शेप होनी चाहिए उसकी। पतले प्रिज्म के लिए शेप ऐसी हो जाएगी, प्रिज्म पतला होते ही प्रिज्म कोण जो ए है इसका मान क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण की वैल्यू क्या होती है, अल्प होती है। तो यहां देखिए प्रिज्म कोण ए अल्प है और डेल्टा मिनिमम, ये आपने पढ़ा था डेल मिनिमम वैल्यू है, तो ये भी अल्प ये भी अल्प। तो हम कह सकते हैं कि साइन जो थीटा की वैल्यू टोटल है ये क्या होगी, अल्प होगी, कम होगी। तो आप जानते होंगे कि साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू बराबर हम डेल्टा एम प्लस ए बाय टू ले सकते हैं क्योंकि ए क्या है, अल्प है, और डेल्टा एम भी क्या है, अल्प वैल्यू है, कम वैल्यू है। और नीचे की वैल्यू देखिए साइन ए बाय टू, तो हमने इधर जाना ए अल्प है तो ए बाय टू भी तो अल्प ही होगा, अगर ये अल्प है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बाय टू लिख सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट हम इस समीकरण में काम लेते हैं, ये समीकरण नंबर दे देते हैं 6। तो आप देखेंगे समीकरण 6 से ये वैल्यूज रखिए, यहां पर क्या वैल्यूज है, डेल्टा एम प्लस ए बाय टू वैल्यू रख दी हमने, इसके बाद गुणा में, वैसे भाग में है इधर, गुणा में लाना है तो क्या करेंगे 2 बाय ए बराबर एन, कट क्या रहा है इसमें 2 से 2 कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें डेल्टा एम प्लस ए बराबर एन ए, ए को इधर ले आते हैं तो डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए। यह एक रिजल्ट है जो पतले प्रिज्म के लिए। इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि पतले प्रिज्म के लिए ए क्या होगा, अल्प होगा, अगर ए अल्प है तो डेल्टा एम भी क्या होगा, अल्प होगा। अर्थात पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। तो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।